सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्राफ्ट एंड क्रिएशन में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, गोरा होना कौन नहीं चाहता। हम सभी चाहते हैं कि हम गोरे दिखें, ज़्यादा से ज़्यादा गोरे दिखें। मार्केट में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पर वे हमारी त्वचा को गोरा बनाने के साथ साथ नुकसान भी पहुँचा देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ एक बहुत ही सस्ता, घरेलू और असरदार उपाय गोरा होने के लिए, जिससे हमारी त्वचा को पहुँचेगा। और इस उपाय को गर्ल्स और बॉयज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं। गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में आप यूज़ कर सकते हैं। चाहिए एक लेमन, जिसके मैंने सीड्स अलग कर दिए हैं। फ्रेंड्स, जो हमें चाहिए होगी वह है रोगन बादाम। यहाँ मैंने ये है हमदर्द कंपनी का लिया है, आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। देखते हैं कि यह दोनों चीज़ हमें कैसे यूज़ करनी है अपने को सुंदर और गोरा बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक छोटा बाउल और एक छोटी स्पून चाहिए होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इसमें एक टीस्पून भर के रोगन बादाम निकालेंगे। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और बहुत थोड़ा थोड़ा ही यूज़ में आता है। और इसके बाद अब हम इसमें एक टीस्पून लेमन जूस का मिलाएंगे। वैसे हमें जो इसका रेशियो रखना है वो रखना है एक टीस्पून रोगन बादाम और डेढ़ टीस्पून, 1.5 टीस्पून लेमन जूस। तो पहले थोड़ा थोड़ा लेमन जूस मिलाएंगे और इसको बहुत अच्छे से स्पून की हेल्प से मिलाते रहेंगे थोड़ी देर तक, जब तक कि ये थोड़ा क्रीमी ना दिखे। अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस और मिलाएंगे, क्योंकि लेमन जूस हम और भी ज़्यादा भी मिला सकते हैं फ्रेंड्स। बट कभी कभी इस हल्दी में क्या होता है, हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होने के कारण फट जाती है, तो लेमन अगर ज़्यादा होगा तो वो हमारी स्किन में थोड़ी जलन पैदा कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो गया है। देखिए, जैसा कि दिखाया जा रहा है स्पून से, कि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी हो गया है। और अब ये इसे थोड़ा सा और हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको अपने फेस पर लगाएंगे, बट यहाँ मैं आज यह अपने फेस पर मॉर्निंग में लगा चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं आपको अपने हैंड पर ही लगा कर दिखाऊँगी कि यह कैसे काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा स्पून से लेकर अपने हैंड्स पर डाला और हम इसको थोड़ी देर तक रब करेंगे। अच्छे से रब करना है फ्रेंड्स, और जो ये फिंगर्स में होता है, काला काले पड़ जाते हैं फिंगर्स के जो ये जॉइंट होते हैं, ये थोड़े ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं सर्दियों में, तो हम इसको इन पर अच्छे से रब करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा और लगा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं हैंड्स पर, क्योंकि हैंड्स थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं विंटर्स में। और देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इस तरीके से रब करेंगे। ऐसे ही हम इसको अपने फेस पर भी रब करेंगे। अगर जब हम फेस पर लगाएंगे इसको, तो इसी तरीके से फेस पर भी रब करना है। और थोड़ी देर रब करने के बाद हम इसको 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर हम तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसे अच्छे से रब कर रहे हैं, और इसे रब करने के बाद हम 15 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर हम इसको फेस वॉश या फिर किसी सोप की मदद से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपके हैंड्स या फेस, जहाँ भी आप इसे यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो गए हैं। बिल्कुल ग्लोइंग स्किन हो जाती है यह लगाने के बाद। फ्रेंड्स, आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में भी यह उतना ही इफ़ेक्टिव है और सर्दियों में भी यह उतना ही इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ट्राई कीजिए और फिर कमेंट कीजिए वीडियो में। फ्रेंड्स, अब 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने अपने हैंड को अच्छे से सोप से वॉश कर लिया है, और टॉवल से क्लीन करने के बाद आप देखिए मेरे हैंड में कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है मेरी स्किन। और दूसरे हैंड में देखिए, जिसमें मैंने यह यूज़ नहीं किया था, दोनों में कितना डिफरेंस दिख रहा है। दोस्तों, एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। यूज़ करने में ही यह आपको बहुत ज़्यादा गोरा, सुंदर और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना देगा, यकीन कीजिए फ्रेंड्स।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।